गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर ग्रामर बुक। ग्रामर में चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 1 कराया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में। आज हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में एक्सरसाइज सी आज हम करेंगे, ऐड अपोस्ट्रोफ एस और ओनली अपोस्ट्रोफ। हमें या तो अपोस्ट्रोफ एस का यूज़ करना है या फिर ओनली अपोस्ट्रोफ का, हमें सेंटेंस में देखना पड़ेगा। इसके रूल्स मैंने आपको बताए थे कि जब सिंगुलर नंबर होगा तो हम अपोस्ट्रोफ एस का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर प्लूरल होगा और उसके एंड में एस भी आता है, किसी वर्ड के नाउन के एंड में एस भी आता है, तो हम एस के बाद ओनली अपोस्ट्रोफ लगाते हैं, फिर हम एस नहीं लगाते हैं। जैसे फर्स्ट वाला यहाँ पर डन है, रियाज पेंसिल्स वर लॉस्ट, तो हम ये पहले से बना हुआ है, क्या बनाया, रियाज यानी रिया अपोस्ट्रोफ एस पेंसिल्स वर लॉस्ट। सेकेंड है द चिल्ड्रंस ब्रेकफास्ट इज ऑलमोस्ट रेडी, यहाँ पे चिल्ड्रंस है, चिल्ड्रंस लिखा हुआ है और चिल्ड्रंस प्लूरल नाउन होती है, लेकिन इसके एंड में एस नहीं लगा हुआ होता है, इसलिए हम लिखेंगे द चिल्ड्रन अपोस्ट्रोफ एस ब्रेकफास्ट इज ऑलमोस्ट रेडी। इसके बाद थर्ड है द मैन सूट्स वर ब्लैक, यहाँ पर है मैंस, मैंस भी प्लूरल होता है, लेकिन मैन को जो प्लूरल में हम चेंज करते हैं तो एम ई एन होता है, उसमें एस नहीं लगता है, तो इसका भी सेंटेंस जो बनेगा ऐसे ही बनेगा, द मैन अपोस्ट्रोफ एस सूट्स वर ब्लैक। नंबर फोर, दोज आर माई अंकल्स हाउसेज, यहाँ पे हाउसेज की बात की गई है, यानी कि वे मेरे अंकल के घर हैं, यानी बहुत सारे घर हैं और एक अंकल का तो घर नहीं हो सकता, बहुत सारे अंकल के हैं, तो इसलिए ये बनेगा दोज आर माई अंकल्स, क्योंकि ये प्लूरल हो गया अंकल्स, इसलिए हम ओनली अपोस्ट्रोफ का यूज़ करेंगे, अंकल्स अपोस्ट्रोफ हाउसेज, सॉरी यहाँ पे हाउस लिखा हुआ है, आप एस का यूज़ और करेंगे, हाउसेज। नंबर फाइव, देयर इज़ अ केक इन ग्रैंड मदर्स किचन, तो क्या बनेगा, देयर इज़ अ केक इन ग्रैंड मदर्स, तो यानी कि ग्रैंड मदर अपोस्ट्रोफ एस किचन। ओके, नेक्स्ट पेज इन कॉन्टेक्स्ट, ये आपका होमवर्क है, आपको होमवर्क से करना है, इसमें फिल द करेक्ट नाउन्स फ्रॉम द, आपको जो ब्रैकेट में नाउन्स है दो दी गई हैं, उन दोनों में से जो करेक्ट है उसको फिल करनी है। नेक्स्ट डे मैं आपको ये वाला होमवर्क मैच करा दूंगी, ये आपको होमवर्क में करना है और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है।